इस फिल्म की निर्माताओं का ना तो किसी भी समूह, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, राष्ट्रीयता या संगठन के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का आशा है, ना ही मंशा है। फिल्म निर्माता महिलाओं पर अत्याचार सहित किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। होली वाला बिहेवियर, वो पांग तो नीचे डाली तूने? अरे पांग तो उतरती भी है, ये तो परमानेंटली चढ़ गई। तो आशिक की कैटेगरी से मोवाली की कैटेगरी में आ जाना तूने। देखा देखा। पापी। मैंने घोड़ा तो दो पैरों पे उठते बहुत बार देखा है, ये इश्क में ट्रैक्टर पहली बार उठते देखा है।
परम है सावन के बाद ना अगला बड़ा त्योहार है राखी। चुप सोच ले। चुप चुप बोल। पर यार गुरप्रीत तू सही कह रहा है, ऐसा ना हो कि त्योहारों में कुड़ी को देख देख के शर्मा शर्मा के जिंदगी पर मुझे ना शर्माना पड़ जाए। तो एक काम कर, शादी करा दे। ओ यार यहाँ तेरा इश्क होनी रहा, शादी की बातें कर रहा है तू। अरे मैं अपनी शादी की नहीं किसी और की शादी की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को तो पता है ना पंजाब में इश्क के बूटे दूसरों की शादी में तो खिलते हैं, अपनी शादी में तो दूसरे लोग स्कीमें चलाते हैं। बस ना कुड़ी जसमीत की दोस्त ते मुंडा अपना, पता कर कौन देगा कुर्बानी, पता लगा बोले। और कोई चक्कर नहीं, और मैंने स्कीम लगा देनी है। और वैसे भी यार गुरप्रीत सिंह को इस पूरे पिंड में कुर्बानी देने से कौन इनकार करेगा बताओ। नहीं चाहिए जी, रहने दीजिए, वैसे 12 कुल्फी खा चुका हूँ और खाली तुम मेरी कुल्फी जम जानी है। ऐसे कैसे पुत्र, तेरे जैसे जवान मुंडे के गर्म खून से तो पहाड़ की बर्फ पिघल जाए, कुल्फियाँ कहती जाए। नहीं चाहिए रे, अरे नहीं बहुत भर गई। 12 कुल्फियाँ खा ली और हमें यहाँ एक नसीब नहीं हो रही। इसके घर से 15 जन को बुलाया था, ये अकेला आया है, कुल्फियों पे तो हक किसी का बनता है। चाहे जी इन्हें खिला दीजिए, समझ रहे ना मैंने खा ली। ऐसे कैसे पुत्र, ये कोई तेरी वोटी थोड़ी है कि ये खाएगी और लग तेरे तन को जाएगा। ठीक है तो इनकी वोटी को ही खिला दो। छड़ाओ, व्याह नहीं हुआ अब तक मेरा। रोका? नहीं जी मैं खुद ही रुका हुआ। अफेयर तो हो गई। हाँ लेकिन इश्क हुआ था पिछले दशहरे उसके साथ जिसे हर त्योहार घूरते रहते हो। घूरते तो बदमाश है जी, आशिक तो निहारते हैं। आपके ख्यालों में नहीं बज रही, उधर बज रही है। अच्छा सुनो जी। मैं ना बहाना बना के कुल्फी लेने जाती हूँ, बहाना है देर से लौट के आने का, ताकि तुम दोनों आपस में बैठ के बातें कर सको। नहीं नहीं चाय जी, ये क्या कह रही हैं आप? मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे मोइये। अगर मन नहीं है तो जाके सहेलियों के साथ कुल्फी क्यों नहीं खाती? ये ले, दुपट्टा ही रख के जाती हूँ। ये कुल्फी। चाय जी थैंक यू जी। लेकिन पुत्र परम आग से खेल रहा है, जसमीत के दादाजी बहुत पुराने ख्यालात के हैं, अगर उनको पता चल गया ना तो कुड़ी का ब्याह कहीं और करवा देंगे। सुखी रहे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई बात बनी? आधी 50% मतलब मेरी तरफ से 75%। 100 के बिना बात नहीं बनेगी ना। तेरा ही ध्यान मुझे वो दिन हो या रहना, सोनी तू मही वाल हूँ मैं तू ही रिहा
घंटे में आ रहे हैं, तब तक अपनी सेटिंग कर लो। या कोई फिल्म लगी है? जा नीचे जाके गेट पे नजर रखो। जसमीत जी, हमारे इश्क की इनॉग्रेशन की जाए? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मैं शादी के बाद काम करना चाहती हूँ। मैं ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ और करते रहना चाहती हूँ, पर दादाजी और वीर जी कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। आप ये समझिए कि मेरे जीने की एक ही वजह है कि मेरा हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग होगा और मुझे मेरी मन की करने देगा। वैसे फैसला करने का मेरा कोई हक नहीं, लेकिन अगर मुझे ये हक मिला तो फैसला आपके हक में ही होगा। वैसे हाथ पकड़ने के अंदाज से लड़की बता सकती है कि लड़का पास है या फेल। मेरा क्या रिजल्ट है जी? आपकी तो रैंक आई है जी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। तुम दोनों के पकड़े जाने का ना भाई खतरा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो कल से रोज नए बहाने का जुगाड़ करना शुरू करो ना बेटा। दाने फिर। हेलो पैरीवान लाल जी, मिट्टी बोल रही हूं। सुखी रहे पुत्री। वो मेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो आप जसमीत को भेज देते तो थोड़ी लाइफ सेट हो जाती मेरी। क्यों नहीं पुत्र, जरूर। दादाजी, जसमीत हिस्ट्री में थोड़ी हेल्प कर देती तो। जरूर पुत्र। दादाजी, जसमीत जरा गाजर दा हलवा बनाना सिखा देती तो। जरूर पुत्र। दादाजी, मेरे को लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। फिर से? जरूर पुत्र। नमस्ते दादाजी। दादाजी जसमीत जरा, हाँ दादाजी जसमीत जरा मुझे आके फुलकारी सिखा देती तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र। दादाजी पैरी पोना, जसमीत को भेज दो, लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। पुत्र, कोई व्रत श्रत ट्राई कर, वरना ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये कौड़ी भी आजमाई लेती हूँ। तेरे पास और कोई बहाना नहीं है? पंजाब में तो लड़के नहीं, जितनी बार तूने ये बहाना यूज किया। शर्म नहीं आती? रोज उसको नए बहाने ढूंढेगा। चल रहा है, चलने दे। चक्को 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 मंजी चक्को भाई। चलो हो गया गेट लॉक, अब नहीं आता कोई अंदर। अब प्राग के लिए करना पड़ता है। पकौड़े तैयार में? पकौड़े नहीं, दो पनीर कुलचे। वाओ, मेरा फेवरेट। मीठी वाली है ना, पिछली बार बहुत नमक डाल दिया था।
पियो पियो। उदास है। क्या हुआ? तो आंखों से एक्सरे करने की स्टेज पे आ गया मेरा रांझा। पाशे की क्या जो माशू के दिल का हाल एक्सरे ना कर पाए। चलो बता। मेरे कुछ डिजाइन्स देखकर अमृतसर की एक ज्वेलरी शोरूम ने मुझे फोन किया है कंसल्टेंट की जॉब के लिए। क्या बात कर रही हो? पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। तुम उदास क्यों? तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम लड़कियों का समझ में नहीं आता। मुझे लड़कियों का समझ नहीं आता क्योंकि लड़कियों को समझा नहीं जाता। हफ्ते में 3 दिन की बात है और दादाजी और वीर जी ने साफ मना कर दिया है। मैं लड़की हूं ना, इसलिए मनाई है। सॉरी यार। दादाजी और वीर जी गलत कर रहे हैं मुझे रोक के, तो मैं भी उनके साथ चीटिंग करूंगी। तू हफ्ते में 3 दिन मुझे अमृतसर छोड़ के आएगा? 3 दिन की बात है ना, तो 3 बहाने तुझे अमृतसर छोड़ने और लाने में खर्च कर देंगे। तो ऐसे गले ना मिलाकर तुझे पता नहीं मेरे दिल में कैसे 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 ख्याल आते हैं। ताशे तन झूमा है सर घूमा है। बज प्यार के ढोल और ताशे तो मन में फूटे बताशे तन झूमा है सर घूमा है। तू पे मन शाह जो घोले तो मैं हूँ बाहें खोले दिल धड़क धड़क यही बोले पूरी सैलरी इस पे खर्च करती क्या? मेरी सैलरी है, मैं जिस पे चाहे खर्च करूं। अब ये क्या है? नए कपड़े हैं तुम्हारे लिए, पहन लो। उधार लेना शुरू कर दिया तुमने? अरे नहीं यार, ये बोनस में से है। ओ काके। जी बाबू जी। ओ पुत्र, एक हफ्ता हो गया तुझे ये कुर्ता पहने हुए, उतार दे वरना म्यूनिसिपैलिटी वाले तुझे उठा के ले जाएंगे। दार जी सत श्री अकाल। जसमीत को भेज दो, लड़के वाले आ रहे हैं मेरे को देखने के लिए। तुझे रोज लड़का देखने को आता है क्या? रोज नहीं, हफ्ते में 3 दिन बस।
तो ये फिक्स तेरे बाबूजी ने किया है या बाहर दरवाजे पे लिख दिया है कि इस दिन आकर के लड़की देखे? रसा जी चल गई है, मंडे वेडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे थर्सडे ट्यूसडे फोन करा मैंने आपको कभी? ऐ गलती है, चल बेस्ट ऑफ लक। अब कदे ता फोन रख देता कर पुत्र, इस पे सबका बराबर का हक है। नमस्ते दादाजी, गोद भराई। मुबारक पुत्र। तारी पाना दार जी। बाकी लड़कियों की तो गोद भराई भी हो गई है, तू अभी भी लड़के पे अटकी हुई है। क्या बात है जी? लाला जी। हाँ जी। क्या हुआ? क्या हुआ? मिट्टी का क्या हुआ? मिट्टी को क्या हुआ? मिट्टी का कुछ हुआ? मिट्टी का क्या होना था? अरे 6 महीने में हर हफ्ते 3 के हिसाब से तकरीबन 72 लड़के देख चुके हैं ना उसे, उसका क्या हुआ? देखो जी, आपका शरीर जरूर बड़ा होगा, लेकिन ये लाला भी ना दारा सिंह की कुश्तियां देख देख के बड़ा हुआ है। ऐसी वैसी बात की ना आपने? अरे मैं तो ये पूछ रहा था कि इतने लड़के देखे हैं, उसे उनमें से कोई पसंद आता है या नहीं? ऐसी बातें करते हो जी आप, वो मिट्टी की शादी तय हुए तो 1 साल हो गया है अमरनाथ के लड़के कपिल के साथ, आपको कहाँ किसने है ये सब? हमारी पीठ के पीछे नौकरी की जा रही है, अकेले अमृतसर आया जाया जा रहा है? काम करने में इतनी क्या बुराई है दादाजी? बुराई हमारी मर्जी के खिलाफ जाने में तो है। वीर जी और मुझ में इतना फर्क क्यों है? औरत का पेट पालना मर्द का फर्ज है, और औरत का फर्ज मर्द के लिए बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना है। फर्क ये है, इसके लिए लड़का ढूंढो। जसमीत सब ठीक हो जाना है, लोहा गरम है, हथौड़ा मार देते हैं। घर बदल के भी लड़कियों की किस्मत कहां बदलती है? चिल कर, एक बार तूने मेरे घर आ जाना है, फिर उनके कायदे उनके कानून काम आईने रखने हैं। चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी, वैसे ही बोल देता। नहीं, वो पहली बार रिश्ते की बात कर रहा हूं ना, तो हिचकिचा रहा था, अगली बार नहीं करूंगा। बकवास कर रहा हूं मैं। जसमीत के दादाजी के पास मैं उसका रिश्ता मांगने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? फिलहाल तो खर्चा होगा, 5 साल बाद पोता है पोता। पोता पोती मांग रहा हूं, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं। 3 दिए। चल 3:30 में बात खत्म। डन डन। मुबारक जी। अब जसमीत आपके घर की होने वाली बहू है, लेकिन हमारी एक शर्त है, खाना पीना पहनना आपकी मर्जी से होगा, मगर आपको एक वादा करना होगा कि शादी के बाद जसमीत नौकरी नहीं करेगी। देखिए जमाना बदल रहा है, बाकी जसमीत की मर्जी। मर्जी और खुशी की तो कोई हद नहीं है जी, पर हमारे समाज की है। जमाना बदल रहा है तो समाज क्यों नहीं बदल रहा? मैं आपसे बड़ा हूं, फिर भी हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं। नहीं नहीं सर, आप बड़े हैं, आप हाथ मत जोड़िए। फिर वादा? वादा।
सॉरी कुड़िये, मुझे पता है तेरा काम करने का कितना मन था। बात नौकरी करने की या काम करने की नहीं है, बात अपने फैसले खुद करने की आजादी की है, जो मेरे पास ना थी और ना कभी होगी। चल ना जस्मी, छोड़ ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होगा, तुम लड़के हो ना, तुम नहीं समझो। मैं तेरी खुल के जीने की तमन्ना को नहीं समझूंगा। भाऊजी ने दादाजी का लिहाज करके वादा तो कर दिया, लेकिन अगर तू चाहती है तो मैं ये रिश्ते को अभी भी तोड़ सकता हूँ। सपने देखती हूँ पर पागल नहीं हूँ। दो ही तो सपने थे, एक अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, और दूसरा तुझसे शादी करने का। पहला तो पूरा होगा नहीं, दूसरा तो पूरा कर लो। ठीक है, तो फिर हनीमून कहाँ लेके जा रहे हैं? हनीमून तो यही शुरू होने वाला है, क्योंकि तू तो जानती है जब तुम मुझसे ऐसे गले मिलती है तो मेरे दिल में कैसे कैसे गंदे ख्याल आते हैं कुड़िये। आराम जस्मीत। जीते रहो, सब ठीक। आओ जी, आओ। हाँ जी, मतलब पापी जी के मिलते ही अजनबी हो गया तू, है दर्शन ही लगते यार तेरे। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, मतलब सेटिंग फाइनल होगी। ओ बल्ले बल्ले भाई, मार का है। ओए छिंदे, बियर ले अभी। कोई बियर वियर नहीं, क्यों सेटिंग काहे की हुई? वीजा का है, बाबूजी के नाम पे ना सारे पेपर, प्रॉपर्टी, इनकम, तो वीजा मिलना ही नहीं है, कैसे जाऊंगा? ओ यार, गुरप्रीत के होते तेरे को टेंशन लेनी पड़े तो मतलब लानत है। तू एक काम कर, तू कागज जमा करा दे, हैं? और शादी पे तेरे को हनीमून का वीजा मैंने गिफ्ट कर देना यार। और पापा जी कॉन्टैक्ट किस दिन काम आने हैं? तू टेंशन छोड़, तू बियर पी। और बियर ले यार। लार्ज बना दे। ओम श्री सूर्य देवताय नमः, ओम श्री वरुण देवताय नमः, ओम श्री समुद्र देवताय नमः, ओम श्री अग्नि देवताय नमः, ओम श्री वरुण देवताय नमः। ओए लार्ज बैग बनाया तूने ओए, मां भी सारी तोड़ी भर के रखी हुई है। ओ काके, तू होश में तो है? मैंने आज तक किसको हाथ नहीं लगाया और तूने मेरे ऊपर डाल दी। ज्ञानी जी, ये अपना ज्ञान ना कहीं और जाके बांटो। और कपड़ों पे गिरी है, कौन सा आपके हलक से नीचे उतर गई है? कपड़ों पे गिर गई, फलाना तिमकाना। परम, माफी मांग। रहने दे काके, बदतमीज है, दोस्त है तेरा, मेहमान है अपना, रहने दे। कि मेहमान को तो माफ कर दिया, लेकिन अपने दोस्त को कैसे कर दूं? परम, परम तो सही करवा कर। चुप है, इसे तो सही करवा करूंगा। परम छोड़ दे।
सबके सामने तूने लस्सी कर दी परम, कोई गल नहीं, तूने मेरी दोस्ती में बहुत फायदे उठाए हैं, अब तू मेरी दुश्मनी के नुकसान देख। स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाने के मूड में है ना तू? वीजा नहीं लगने देना तेरा मैंने, और अगर तेरा वीजा लग गया तो ये मुझ देख तो दफा हो जा। और तेरा वीजा नहीं लगने देना मैंने, देख तू। चाबी के बिना गाड़ी चला लेती हो? मुझे क्यों लगता है कि ये चाबी मुझे फ्री में बिल्कुल नहीं मिलने वाली? क्योंकि जट का कैरेक्टर खराब है, फ्री में तो कुछ देगा नहीं। और अब मैं बहुत लेट हो रही हूँ। आओ। सलाटा चल। गुरप्रीत सिंह ने हमारा वीजा होने से इतनी बार रोका है कि सपनों में विदेश जाने के अलावा और क्या चाह रहा है। पर वैसे तूने विदेश जाने की स्कीम बढ़िया निकाली है, सस्ती सुंदर एंड टिकाऊ। शाबाश। यार डिप्रेस हो जाती हूँ हर सुबह। वे आज डिप्रेस नहीं इंप्रेस होना है। दादा जी से मिलने जाना है, तेरे घर जाना है। हाँ वो तो है। यानी कि आज फिर से काम की बात करने का चांस है। लवली लाइफ बन गई। नहीं लाइफ तो पहले इस जट की बनी। तू तो जानती है तेरे जट का कैरेक्टर कितना खराब है। फ्री में तो कुछ नहीं होगा। चलो शुरू हो जाओ। प्लीज स्टार्ट। छोड़ो शर्माओ मत। अरे शी अब तुम ब्रश भी नहीं किया तुमने। शादी के एक साल होते ब्रश करने की बात चल, हाँ तीन साल होते नहाने की बात शुरू करो। बहुत बोलते हो तुम। तो बोलती बंद करो ना मेरी। क्यों इस आशिक को अपने पीछे है? अपने मुंडे को अपने पीछे नहीं दौड़ा तो किसी और के पीछे चलने लगता है। तू चाहे दौड़ा या चला, यहाँ हो वहाँ हो या सारा जहाँ हो, ये आशिक चलता तो तेरे पीछे ही रहेगा ना। आज मना लेना दादाजी को मेरी नौकरी के लिए। छोटी सी बात, इसके लिए तो कत्ल करो। कत्ल। बले पुत्रा, एक साल हो गया तुम्हारी शादी को। देखो भाई, इस घर में मुझे अब अपने नाती की हंसी की गूंज सुनाई देनी चाहिए। उन कामकाजी औरतों की तरह नहीं जो सालों अपने कैरियर के चक्कर में लगी रहे, फिर डॉक्टर डॉक्टर घूमते रहो कि कुछ कर दो हमारा, समझे कुछ? हेलो, आप परम पितर? वो जरा भंवरी को ले जाना इंजेक्शन के लिए। जी बाबूजी। इसको भी पीछे ही बिठा लेती हूँ। नहीं नहीं, उसे वॉक करना था, बेचारी ने वेट पुट ऑन कर लिया, पैसा डिवोर्स दे देगा। जस्मीन, जस्मीन,
ये कौन है? अरे हरप्रीत, हमारे साथ हाई स्कूल में होती थी, पता है आठवीं फेल हुई, उसके बाद कभी स्कूल वापस ही नहीं आई, अमृतसर से कभी बाहर नहीं गई थी, लंदन में शादी हुई है। अच्छा 5 साल हो गए आपको शिफ्ट होकर लंदन? नहीं, इंग्लिश सुन के लगा आप पैदा ही वही हुई। ये ना मेरे हस्बैंड है परम। जोकी है? नहीं जोकी नहीं, मैं तो किसान हूँ, एग्रीकल्चर साइंसेज एमएससी। पाजी जोकी एज इन मजाकिया, लाइक फनी। इसीलिए तो जोक मारा जी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं लंदन में? यू नो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, तो उधर एयरपोर्ट को इको फ्रेंडली रखने का जिम्मा उनके मजबूत कंधों पर है। वाओ, तो घर चल मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक पे कैचअप कर देने। हां जाओ जाओ, तुम जाओ कैचअप करो कोल्ड ड्रिंक के, मैं इंजेक्शन लगवा के आता हूं। ठीक है इंजेक्शन पाजी, इज एवरीथिंग ऑलराइट? या या एवरीथिंग इज गुड। यू सी दिस बफलो, शी इज प्रेगर, सो आई एम जस्ट गोना गो गिव हर अ शॉट, दैट्स इट, नथिंग। वाओ सच गुड इंग्लिश पाजी, आपको तो लंदन में होना चाहिए, मतलब ऐसे भैंसों को इंजेक्शन लगवा के अपना टैलेंट वेस्ट करें। फ्रैंकली आपको हम चलेंगे। अच्छा चल चल, इट्स ग्रेट मीटिंग यू। चीयर्स। यार गर्मी से ना परोठा बननी थी मैं। यू नो अगर तुम मेरे जैसे हेल्थी क्यों ना हो, पर यहाँ बाहर जाने के लिए 8 मीटर कपड़ा तो पहनना ही पड़ता है, यू नो व्हाट आई मीन? सच्ची मतलब लंदन में मैं ऐसे निकल जाऊँ ना, कोई भी हो, इंडियन हो, जो भी हो, अपना हेलो हाय नमस्ते कह के कट लेगा। यार यहाँ मैं ऐसे निकल गई ना तो मेरा तो MMS बन जाएगा मस्त भाभी नाम से। तुझे चुटकी याद है वो जिसकी हल्की हल्की मूछें थी? या मूछें जचती हैं उस पर, वो घर की हीरो है, हीरो। यार 2 बच्चे पैदा करने के बाद कॉलेज गई और अब औरतों की लॉयर है वो। तू भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हरप्रीत। Yeah, look at me. अब मैं भैंजी नहीं रही, I mean, I really worked on myself. नाइट स्कूल गई, ब्यूटिशियन का कोर्स किया, I taught myself English. मतलब बैंक अकाउंट, बच्चे, घर, काम, जो बोलो मैं संभाल लेती हूँ, you know? It's great. But तू बता, हाँ? फर्स्ट क्लास फर्स्ट, कुछ करके दिखाने का ये सपना, ये तो तूने दिखाया था हमको। हम यहाँ मोई किले फतेह कर रहे हैं और तू हाउसवाइफ बन के भैंसों को इंजेक्शन लगवा रही है। तुझे क्या लगता है कुछ करने का सपना मैंने नहीं देखा? पर तुझे तो ये भी पता है यहाँ लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं है। Yeah, no. तभी तो हमारे जैसी कुड़ियां ब्याह करके भाग जाती हैं। ना हमारे जैसे सपने तो मतलब वहां जाके पूरे होते हैं ना फिर। मेरा तो ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, उसका कारण है गुरप्रीत सिंह कैरोन। हमारी शादी पे ना उसने बाऊजी के साथ कुछ बदतमीजी कर दी, परम का हाथ उठ गया। परम ने सही किया पर गुरप्रीत की पहुंच बहुत ऊपर तक है। बहुत कोशिश करने के बाद भी परम का वीजा नहीं लग रहा है। मेरे पास सलूशन है तेरी प्रॉब्लम का। नाम सिंह वीजा, बट तेरा हीरो इलीगल गली से जाएगा क्या? देखो ना। क्या देखो? जायदाद लिख दो तेरे नाम इस पे मैं। प्लीज ध्यान से देखो, उठो। देख तो लिया तुझे पूरे ध्यान से गुड़िया। अच्छा नहीं देखो, एक मिनट, हरप्रीत ने दिया है गुरनाम सिंह वीजा का नंबर, ये हमें इंग्लैंड सेटल होने में मदद कर सकता है। मतलब आज के सुहागरात का आइडिया हरप्रीत का था। अपने मासूम हस्बैंड साथ यही करती रहती है वो। आइडिया हरप्रीत का था पर मर्जी तो मेरी थी। जज्बात में दिल लूट लिया घुड़िया, आ जा वन मोर। अरे प्लीज अभी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, हरप्रीत को देख के मैं श्योर हूँ
लंदन जाके हमारा इस यापे का दी एंड होगा। ठीक है, लेकिन बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। उनकी इजाजत के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ध्यान से भाई, ध्यान से। बाबूजी, आपसे गल करनी थी। बोल पुत्र। बाबूजी मैं बाबूजी वो बाबूजी परम आपसे कह नहीं पा रहा है कि वो लंदन सेटल होना चाहता है। आधा पंजाब वहां पे बसा हुआ है बेटे, तू भी चला जा। आप मेरे फैसले से खुश है बाबूजी? देख पुत्र, जब मुझे हार्ट अटैक आया था ना, तो तू अपने खेतों में बैल की तरह जुट गया था। इतनी देर अमृतसर में पढ़ाई करने के बावजूद भी तूने कभी भी शहर में रहने की जिद नहीं की। इस परिवार को 5 साल दिया है तूने। तो अब तेरे परिवार को खड़ा करने का भी वक्त आ गया है। मैंने सेटल होने ही आपको भा बुला लेना, मेरे बच्चों को भी तो आप ही ने सिखाना है। मैं आगे यही सिखाऊंगा उनको कि जैसा मेरा बच्चा है ना, उनको वैसा ही बनना है। रखा मन सलोना जमारो तुनक तुनक वाले आंदे जमारो। बस कर डाले, बस कर। डाली, तू बहुत बड़ा स्टार है। तू जब गाएगा और दुनिया सुनेगी ना, तो वडाली ब्रदर्स को भूल जाएगी। बाजी, वडाली ब्रदर्स दो हैं, ये अकेला है। ओए डार्लिंग, अकेला जब दो को पुलाएगा तभी तो स्टार कहलाएगा। ओ डार्लिंग, देख क्या रहा है भाई? समोसे और लस्सी लेके आ स्टार के लिए। और सुन, लस्सी में ना बर्फ मत डलवाना, स्टार का गला सोने की खान है, बर्फ लेगा तो बाढ़ आ जाएगी। अच्छा डार्लिंग, अब तू ना वो बगल के कमरे में जा और वहाँ फार्म भर दे, और डैडी से पैसे लाया ना तो वो जमा भी करा दे। और सुन, लस्सी पिए बगैर मत जा। गुड मॉर्निंग जी। और डोंट यू वरी डार्लिंग, वीजा क्या, मैं आपको पासपोर्ट के बगैर ही अमेरिका पहुंचा दूंगा। और बोलो, नहीं बोलना तो फिर फोन बंद करो। देखा डार्लिंग, गुरनाम सिंह वीजा का क्लाइंट होके टेंशन ले रहा है, और मैं कोई पहली बार किसी आदमी को वीजा के बगैर पार भेज रहा हूं। बाजी, वो जाने के नहीं, पकड़े जाने पे वापस आने की टेंशन ले रहा होगा ना। और डार्लिंग, कुछ लोग पकड़े जाते लेकिन एक आध जहाज भी तो गिर जाता है हर साल, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डर के मारे लोग जहाज में बैठना ही बंद कर दें। बाजी, क्या मसाल दी, मसाल बहुत अच्छी देते आप। नहीं, पर आप अच्छी मिसाल देते कि वीजा भी देते। आप कौन? ये कौन है? अपॉइंटमेंट है कि डिसअपॉइंटमेंट है? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो तभी होगा अगर आप मुझे इंग्लैंड का वीजा नहीं दिला पाए ना। वो हरप्रीत जी है ना, उन्होंने कहा था आप मुझे इंग्लैंड पहुंचा के रहेंगे। परम सिंह, वो जिसका वीजा नहीं होता। देख, वैसे तो जवान पंजाबियों को वीजा मिलना टेररिस्ट को स्वर्ग मिलने जितना ही मुश्किल है, पर डार्लिंग तू चिंता मत कर, हम तेरे को तेरे स्वर्ग पहुंचा के ही रखेंगे। जिंदा रहते हुए नहीं जा सकते वीजा लेके?
डार्लिंग गुरप्रीत सिंह कह रहे तेरे को वीजा मिलने नहीं देगा और हम तेरे को इंडिया रुकने नहीं देंगे। कबूतरबाजी से तो बाबूजी नहीं जाने देंगे। डार्लिंग तू इतना बड़ा हो गया अभी भी बाबूजी से डरता है? डरता तो उनसे बचपन से भी नहीं था, लेकिन बचपन से उनकी इज्जत करता हूं। दिल जीत लिया मेरा, साथ में वीजा भी, पेरेंट्स की इतनी इज्जत। ये देख वो आपके पेरेंट्स। नहीं डार्लिंग, ये ना रिक्शे के सामने यशपाल सिंह खड़ा है और सेम टू सेम यशपाल बीएमडब्ल्यू के सामने भी खड़ा है और इसको बीएमडब्ल्यू के सामने खड़ा करने वाली है लंदन की माया मेम साहब। उसने थोड़ी सी माया दी, इससे शादी की और लंदन लेके चली गई। बस डार्लिंग अब यही एक तरीका है। ओ डार्लिंग लंदन जाके हंसना, तुमने तो यहीं पे हंसना शुरू कर दिया। गुरनाम भाई आपने तो वीजा के बिना ही काम कर दिया, मेरी हंसी नहीं रुकी। मैं उसे पीट पीट के धोने वाला था, फिर याद आया एक पिटा हुआ गुरप्रीत हमारे इतने वीजा खा गया, एक और को पीटूंगा तो बांग्लादेश भी नहीं जा पाऊंगा जिंदगी में। पर उसने क्या कहा? अरे मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, रहने दे। तुम बावती सुन लेती तो उसका मर्डर कर देती जसमीत। अरे पर क्या कहा? अरे उसने कहा डार्लिंग, अब रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। उसने कहा डार्लिंग, ओ वो सबको डार्लिंग बुलाता है। उसने कहा डार्लिंग तुम लंदन वाली से शादी करो, वो तुम्हें वीजा दिलवाएगी, लेके जाएगी साथ में, कुछ दिन बाद रेजिडेंसी मिलेगी, फिर डिवोर्स दे देना, फिर वापस आना अपनी जसमीत से शादी कर लेना यहाँ पे और फिर चले जाना लंदन। ऐसा कहा? गुस्से का कोई फायदा नहीं जसमीत, समझना मेरी बात, छोड़ दे प्लीज, छोड़ प्लीज। गुरनाथ पाजी परम सिंह आ रहा है पाजी अपनी बीवी के साथ, आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दूं? अभी मेरी सिक्योरिटी इधर है मेरी खोपड़ी में, आने दे उनको। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी मेरे को पता है आप मेरे पे बहुत गुस्सा हैं। कोई भी भड़केगा, कब से रोक कर रखा बेचारी को मैंने। भाभी जी आपके हस्बैंड ना बहुत ही हैंडसम है और हैंडसम मर्द बड़े बेवकूफ होते हैं है? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक्टिंग होगी, मैं समझ रही हूँ आप तो बिल्कुल हैंडसम नहीं है, तो मुझे लगा समझदार होंगे, और अगर समझदार है तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप इतनी सी बात इनको नहीं समझा पाए। मैं कितना ना समझूं तेरा रिएक्शन समझ ही नहीं पाया। पापी जी मेरे को नहीं पता था कि आपको समझाने से पहले इसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहले ही समझा देता। ओए हैप्पी, पापी जी ताकड़ हैं और इसी खुशी में मिठाई उठाई लेके आ भाई। किसके लिए मिठाई? कोई मिठाई नहीं चाहिए। बैठिए बैठिए। क्या बैठ कर रही हो तुम? अब बैठो बैठो। डार्लिंग फिल्में तो देखता है ना तू? हाँ तो शाहरुख जी जब दीपिका जी के हस्बैंड का रोल कर रहे होते हैं तो वो तो डायरेक्टर के सामने रोते नहीं बिलबिलाते नहीं कि डायरेक्टर साहब मेरी तो गौरी से शादी हो चुकी है, मैं किसी और के साथ प्यार और शादी की एक्टिंग नहीं कर सकता। पर वहां पे कौन सा डायरेक्टर होने वाला है, सिर्फ मैं और वो मैम। और गौरी जी भी शाहरुख जी पे कभी शक नहीं करती क्योंकि उनको पता है कि शाहरुख जी बच्चों और उनके लिए सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। पापी जी आप तो मेरे से बेटर समझाती हैं। वो समझा तू, तेरे को शाहरुख बनना पड़ेगा। पर शाहरुख जी एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो थोड़ा ना हर सुबह जाके सरकारी शादी करते दीपिका के साथ, फिर शाम को डिवोर्स देकर रात को आके गौरी जी से फिर से शादी करते, जैसे तुम दोनों कह रहे हो। हां पर तेरा रोल भी तो शाहरुख से लंबा और बेटर है डार्लिंग, ये तो खुशी की बात है। ओए शाहरुख से इंस्पायर हो डार्लिंग, टाइम पे ध्यान मत दे एक्टिंग पे ध्यान दे। अगर मैं ज्यादा इंस्पायर हो गया तो हाँ, मेरे अंदर का नोटी मर जाग गया तो हाँ, अगर वो मेम ओवर एक्टिंग करने लग गई तो। देख डार्लिंग मेम को मैं संभाल लूंगा, लेकिन पापी जी एक्टर को अपनी एक्टिंग पे ही भरोसा ना हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्या बकवास भाई, सीधे तरीके से तू लंदन तो क्या ढाका तक नहीं जा सकता। खाली डराओ मत,
गुस्सा करना है तो कर लो। मुझे अभी पंप पर मारा दूंगा खींच के। तेरा दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीले तेरे, हा? क्या बकवास करी थी वहां पे? मैं किसी दूसरी औरत से शादी करके चले जाऊं तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? अरे कौन सी सचमुच की शादी है यार, कॉम्प्रोमाइज ही तो है। और कॉम्प्रोमाइज करते करते जिंदगी में फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। ये सब होने के बाद वहां जाते ही कॉम्प्रोमाइज़ का दी एंड, समझो। तो अपने इस आजादी के सपने के लिए तुम इतना बड़ा जुआ खेलो? मैं क्या, मेरी जिंदगी जी रही कोई भी लड़की खेलने को तैयार हो जाएगी? उनके पास तो अपनी मर्जी से जीने का मौका भी नहीं है, मेरे पास है, और उसकी वजह हो तुम। खुद से ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करती हूँ परम। मैं गलती कर लूं तुम नहीं करोगे। जसमीत, हम कहाँ रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम किसके साथ रहते हैं और वो हमें कितना प्यार करता है, फर्क इससे पड़ता है। तुम मुझे मेरी आजादी यही दिला दो, नहीं जाती। सपने देखना इतनी बुरी चीज है क्या? सपने देखने में बुराई नहीं है, उसे गलत तरीके से पूरा करने में। तुम ऐसा करके अपनी पूरी शादी दांव पे लगा रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मतलब शादी के बाद आए तेरे को याद आई है हमारी, है? ओए आजा आजा। गुरप्रीत, मैं माफी मांगने आया, और अगर तू चाहता है तो मैं पूरे पिंड के सामने माफी मांगने को तैयार हूँ। यार माफी मांगने की लोड़ ही नहीं है यार, तू यार है मेरा, कर दिया माफ बस। थैंक यू। लेकिन जिसके पैरों में मुझे गिराया था ना, उसको इन पैरों में गिरा, तब तो कोई बात बने। पावी जी, पावी जी, पावी जी, पावी जी, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। सोच क्या रहे हो? चलिए बैठिए, आपको लंदन तक छोड़ आता हूँ। अरे भाभी जी, आपको नौकरी के वीजा पे लंदन भेज ही देते हैं। ओ सफादी, क्या हो गया? तुम बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ? मैं नहीं करूंगा, बता। मुझे लंदन में नौकरी मिल गई। अब तो जाएगी, मुझे छोड़ के अकेले। बात की थी इस बारे में, हमने डिसाइड किया था। अरे मगर आप लोगों ने तो वादा किया था कि वो नौकरी नहीं करेगी। दादाजी, वो सिर्फ वो नौकरी वाले वीजा पे जा रही है, उसने वहां जाके मेरे दोस्त के घर पे रहना, छुट्टी मनानी है। गुरप्रीत तक ये बात पहुंचनी, उसने कहना है वो अपनी बीवी से बाहर नौकरी करवा रहा है, मेरी और बदनामी कर देगा, फिर भूल जाएगा। पर उतने में क्या होगा, मेरा दोस्त जुगाड़ करके जसमीत के लिए रेजिडेंसी दिलवा देगा। अब एक बार रेजिडेंसी का वीजा मिल गया तो कोई कानून मियां बीवी को अलग तो रख नहीं सकता ना। जसमीत ने मुझे वहां बुला लेना है और गुरप्रीत ने कुछ नहीं कर पाना, बस प्लान है। अब मुझे कोई रोक के दिखाओ। अरे पागल, रुक जा, बात तो सुन। तू ही बता कौन तू है मेरा, कब से तू दिल में रहता है क्या पता, क्यों लागे मुझे तेरे बिन जिंदगी, एक पल भी कभी पाएगी ना खुशी। तुझको पहचाना मैंने तब जाना के जिंदा हूँ मैं, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए हर पल रहूँ
हाउस मिनिस्टर है अभी। यार एक बात कहूँ, जब भी ये जगह देखता हूँ तेरे साथ लंदन जाके ये जगह देखने का मन करता है साथ में। बाय गॉड। जगह देखकर या गेट को देखकर? तेरे सामने पानी नहीं मांगती। मैं जाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ऐसे दो आशिकों का हाथ में हाथ रख के साथ में चलना ऐसी जगह पे बनता है। चाई सी है जो आरजू दिल पे मेरे, क्या वही आरजू है तुझको भी घेरे। पल जो संग बीते उनकी तस्वीरें रख ले आंखों में यूं हम दोनों, फिर तू कहीं भी हो लगे पास ही मुझको के जिंदा हूँ मैं। तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए हर पल रहूँ मैं, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए हर पल रहूँ मैं, सिर्फ तेरे लिए। तक हम दोनों अजनबी से तेरा हो मैं, आज है तू ही मेरी सांसों में आहों में। कोई बदला है सबने कब छाए, पास कब आए यूं हम दोनों, जागा है क्या जादू, बस मैं हूँ और बस तू के जिंदा हूँ मैं। मिया भी अलग हो रहे, कम से कम एक कमरा तो मिलना चाहिए ना। सारी कोशिश मत करो, मैं रो दूंगी। मुझे बकवास करने से मत रोक, नहीं तो मैं रो दूंगा। बात छुपाई है जस्मीन, लेट्स गो।
मैं समर से शादी करके अरज वीजा पे जा रही हूँ। सॉरी, मैंने ये सब हम दोनों के लिए किया है। ट्रस्ट मी, मुझे माफ कर देना। अपना ख्याल रखना, मुझे जाना है। जसमीत मेरी पौना दादाजी। जिंदी रहे बच्चे, जिंदी रहे। तेरे को समीर ने अपने बारे में बड़ी मीठी मीठी बातें बताई होंगी, लेकिन ये नंबर वन अवारा सरकारी सांड है। कोई समझे ना समझे, तुम जरूर समझोगे, इसलिए इतनी हिम्मत की। यूके की लिटरेसी लेवल्स गिरने वाली हैं। सैम ने भी किस कबार को इंपोर्ट कर लिया। Hey Sam. Hello darling. How have you been? Happily unmarried. ये सब कैसे हुआ? Wait, let me guess. Lust at first sight. पर बिना शादी के पंजाबी कुड़ी मानी नहीं। नहीं, वो तो तुम्हारे केस में होगा। I mean the lust at first sight, but बाकी तुम तो बिना शादी के भी मान गई थी। So I was right. ये नहीं मानी तो शादी करके ऐसे ले आए। Excuse me. मेरे बचपन का दोस्त है और बहुत बड़ा इडियट है। इफ ही ट्रबल्स यू ना, जस्ट लेट मी नो, आई एम गोना सेट हिम राइट। नो सैम, एक्सक्यूज मी। जसमीत, इतने भी दिन नहीं हुए कि तुमको अपना नाम बताना पड़े। गुस्सा हो मुझ पे, नफरत हो रही है मुझसे। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। आठ बियर के बाद भी गुस्सा नहीं याद आ रही है। क्यों इतने अच्छे हो? गुस्सा करो मुझ पे, गालियां दो मुझे। क्यों किया, कैसे किया, कम से कम इतना तो पूछो। तुम्हीं ने तो लिखा था, कोई और समझे या ना समझे, मैं जरूर समझूंगा। तो फिर समझ के अब क्या पूछना।
भाभी जी आप पिक्चर देखो, मैं कहानी सुनाता हूँ। हीरो है ये फोटो वाले समर सिंह संधू उर्फ सैम। पैसा बेशुमार, लेकिन एक ही रिश्तेदार है इनके दादाजी जो बीमार है, उम्र 90 की है और ऊपर से कैंसर। लंदन में मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, आई एम वर्किंग सोशल लाइफ, लेकिन मेरे दादू को लगता है कि अगर मैंने किसी इंडियन लड़की से शादी नहीं की तो मेरा लाइफस्टाइल मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो उनकी खुशी के लिए सैम एक सोनी ठेठ पंजाबन लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन नकली। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम मुझे छुओगे तक नहीं। तुम ये अपने दादू के लिए कर रहे हो और मैं यूके सिटीजनशिप के लिए। इन दोनों चीजों के लिए हमें जब तक शादीशुदा रहना पड़ेगा हम रहेंगे। ओ पापी जी, आप ना सैम को मत बताना कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, नहीं तो क्या है ना, बनी बनाई डील बिगड़ जाएगी। दुनिया कहेगी मैं गलत हूँ तो चलेगा, तुम मुझे माफ कर दोगे तो दुनिया के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। एयरपोर्ट पे माफ कर दिया था, वरना तू प्लेन में नहीं बैठी होती और मैं घर में नहीं जेल में बैठा होता। अच्छे हो ना, इसलिए फायदा उठाती हूँ तुम्हारा। शादीशुदा होकर दूसरी शादी करने को फायदा उठाना कहती हो? परम, ये शादी शादी नहीं है। और हमारी शादी, वो रही शादी? रही, बिल्कुल रही। तुम लंदन आते तो भी रहती, मैं यहाँ आई हूँ तो भी रहेगी और हमेशा रहेगी। तुम बस मेरे वहां आने और तुम्हें ले जाने का इंतजार करो। जसमीत, इंतजार करने में तुम अच्छी हो, मैं नहीं। लंदन जाना है, लीगल इलीगल सब चलेगा। डार्लिंग, गुरप्रीत को पता चलने से पहले हमारे आदमी के साथ तुम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में क्रॉस कर जाओ। एक छोटी बोट में तुझे 20 समंदर बड़ी बोट में ट्रांसफर कर देंगे जो तुझे ब्रसेल्स ले जाएगी। तू मेरी, मैं तेरा, 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 तू मेरी, मैं तेरा। क्या हुआ, पागल है क्या? यहाँ 50 से ऊपर लोग हैं और मैं सोच रहा था सर मेरी कुड़ी है जो इंग्लैंड के पीछे दीवानी है। जसमीत, तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लेने पड़ेंगे, लेट्स गो। नए कपड़े? कपड़े हैं मेरे पास। मेरे सर्कल्स में मेरी बीवी लगने के लिए ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यू नीड अ मेकओवर। जसमीत, होल्ड ऑन, आई एम गोना पे फॉर इट। नहीं, पैसे हैं मेरे पास। हम दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही करेंगे जितना हमने एक दूसरे से वादा किया था। थैंक यू। Thank you.
मजा आ गया कुड़िए, जिंदी रह तू तो मैनू पिंड वापस ले आई वो भी बगैर टिटकस दे तू देख मेरी बोली भी बदल गई, मैं टिकस कहना शुरू करता, टिकट नहीं कहता हूँ। मेरे बच्चे हूं तो मैनु मोक्ष मिलिया ही मिलिया और वो भी बगैर टिकस दे। थोड़ा और दो ना, कम पड़ रहा है। इधर इतना ही मिलेगा बुड्ढे। क्या करें पुत्र, इतना तो सहना ही पड़ेगा। रोटी की तलाश में ही तो पंजाब से निकले। दर्जी रोटी तो गुरुद्वारे में भी मिलती है, जितनी चाहिए मिलती है, वो भी मुफ्त। हमें बाहर बंगले गाड़ी की तलाश ले जाती है, रोटी की नहीं। मेरी तन्हाइयां कर रही है बयां, उन दिनों की हसी दास्तां, जब के हम साथ थे, हाथ में हाथ थे, लम्हा लम्हा हसी था समा। यादें बरसे न क्यों, आंखें तरसे न क्यों, ढूंढती है ये तेरा ठिकाना, तू मिले तो है बस ये बता। ब्रसल से पेरिस तुम वाया ट्रेन जाओगे, क्योंकि एक बार यूरोप में एंटर कर जाओ ना तो फिर वहां पर पासपोर्ट चेक नहीं होता। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा खतरा है कलाइस चेक पोस्ट। यहाँ पे ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड मशीन से चेक करते हैं कि ट्रक में कोई छुपा तो नहीं है। तुम्हें प्लास्टिक का बैग सर पे ओढ़ना है और कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी चली जाए, बैग नहीं निकलना चाहिए, ये याद रखना। ये सफर है कठिन, मुश्किलें रात दिन, साए की तरह है साथ मेरे, पांव जख्मी शहीद को है जिद यही, जाना ही है इसे पास तेरे, राह का सुनापन और तन की थकन, कितने तीरों का मैं हूँ निशान, तू मेरी मैं तेरा।
लंदन वाली है, शादीशुदा नहीं होता ना तो तुझसे जरूर शादी कर लेता। क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम कहाँ रह रहे हो? मेरी फिक्र मत कर, पूरी प्लानिंग करके आया हूँ। मैंने तुमसे पंजाब में ही कहा था, तुम्हारी झूठी शादी करके यहाँ पे आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें मुझसे क्यों है आप प्रॉब्लम? मैंने भी बात कह दिया था, मुझे तेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस झूठ से, इस नाटक से। ये नाटक मैं हम दोनों के लिए कर रही हूँ, यहाँ बसने के लिए कर रही हूँ। रहने का वीजा मिलने तक मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। समर से झूठ बोलना पड़ेगा मैं बोलूंगी। इतना बड़ा रिस्क लेकर, सबकी नजरों में गिरकर मैं यहाँ आई हूँ। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी परम, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरे दादाजी ने, तेरे पूरे खानदान ने तेरे साथ गलत किया, इसका बदला पूरी दुनिया से तो नहीं ले सकती ना जसमीत। लड़ाई जाके होती है ना, वही लड़नी पड़ती है। Hey, it's me. अच्छा listen, हमें जायका के इनॉग्रेशन पे जाना है। जायका? इंडियन रेस्टोरेंट है। तो तुम घर पहुंचो, we should be leaving soon. ठीक है, मैं आती हूँ। एक इंडियन रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन पे जाना है, मुझे जाना होगा। यहाँ का सिर्फ जायका ले रहे हो या काम करना भी शुरू किया जिसके लिए आई थी? मैं जैसा काम करना चाहती हूँ वो रेजिडेंसी मिलने तक मैं कर नहीं सकती, लीगली पॉसिबल नहीं है। पर मैंने पूरी तैयारी कर ली है, ज्वेलर से भी बात कर ली है, डिजाइन्स भी रेडी कर लिए हैं, सब कुछ तैयार है। बस एक बार रेजिडेंसी मिल जाए मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तो सोचता था तेरा बचपन है, लेकिन ये शहर तेरा पागलपन बन चुका है। पहली बार देखा है एक औरत का फर्क मर्द के साथ नहीं, एक शहर के साथ। चलो भाई क्या हूं तो मैं भी देखना चाहता हूं कि शहर में ऐसा है क्या। पर याद रखना कुड़िया, सच्चा आशिक हो और ये वाली आशिकी का भूत तेरे सर से उतार के ही चैन की सांस लूंगा। फाइनली लंदन पहुंचते ही तुम लंदन में एक आदमी को मिलोगे जिसका नाम है इकबाल खान फ्रॉम पिंडी पाकिस्तान। वो आगे तुम्हारी मदद करेगा डाले। परम तो तू फौजी है? नहीं, किसान, एनएससी करने वाला। ओए प्रेस फ्रॉम पंजाब, यहाँ पर इलीगल बंदे नू फौजी कहंदे ने। वाह इतनी इज्जत! हमारे यहाँ इलीगली आए हुए को भगाने वाले को ना फौजी कहते हैं। तू ना मस्त बंदा, तू मेरे साथ बकिंगम पैलेस भी चलेगा। आ जा, आ जाओ जी, आ जाओ। अरे यार साडा बकिंगम पैलेस, बस इत्थे राणी नहीं रहंदी जी, तीन राजे रहंदे ने। अरे शाम ते इधर रहते हमारे मुरलीधरन, ते इत्थे मैं, इलीगल एशियन टाइगर्स वर्सेस लीगल होम डिपार्टमेंट ऑफ द इंग्लैंड जी। 10 साल से ट्रॉफी हमारी है जी, खुले में फौजी बन के कैसे घूमते ना। ऐ पैतरा मैं तुम्हें सिखाऊंगा। भाजी मेरा बिस्तर। यार आपको हॉल में थोड़े ना सुलाएंगे। अरे यार थोड़ा मास्टर बेडरूम। ये तो बाथरूम है। अरे सवेरे 6 तो लेके रात के 10 बजे तक, उसके बाद जी दो दो पैक कट्ठे ते चक दे फटे, लेकिन हाँ सोना 10 बजे के बाद है। आ जाओ और दिखाता हूँ। यार खाली डब्बे तो रख दो। ऐ मेरी बोटी,
तेरा मेरी कुड़ी पिंड से निकला था ना तो माँ के पेट में थी, वीडियो कॉल में देखा था, पर मैं ना कभी इसे इसके गाल घोट नहीं पाया, कभी इसको इंज गोदी में नहीं खिलाया। ऐ बड़ी प्रॉब्लम है जी पंजाबियों की, दूजा पंजाबी वेख्या नहीं कि टुट्टी खोल दी आसमानी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी वोटी, यार इतने ही प्यारे थे ते पिंड छोड़ के क्यों आया लंदन पौंड कमान वास्ते, लेकिन मेरे को ना ऐसा जवाब है, देखो ना इनकी लाइफ सेट है, सेट है। ये जवाब आपका गलत है, आप यहां वो वहां, उनकी लाइफ कैसे सेट है? मैं भी ना यार, पहले दिन आप ना ऐश करो, मैं बियर लेके आता हूँ और फिर रोता हूँ, मेरा मतलब है बात करता हूँ। चलो भाई इकबाल पाजी। हाँ जी। जरा एक एड्रेस बताना, बाकी की बियर मैंने वही जाके पीनी। Thank you. Oh, cheers. This is for you. ये क्या है? Well, जो तुमने दादू के लिए किया उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। एक लड़की किसी की लाइफ में कितना डिफरेंस ला सकती है, मैं तुमसे मिलके सीखा। Thank you for the lesson. It's a gift, Jasmine. Please, no gifts. मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। Jasmine, I really like you. You're a fantastic person, attractive हो, और ये शादी की formality वो तो हम कर ही चुके हैं ना। Jasmine Malhotra. आखिर तुम लंदन पहुंच ही गई। Wow. Now that's what I call a desi hunk. Oh God, one more desi. UK की government को इन Indians को यहाँ पे ban कर देना चाहिए. You speak another word about him, and I'm gonna kill you. Do you guys know each other? Know each other? अरे हम दोनों तो शादी, शादी? हम दोनों ना गांव की शादियों में जाके कुल्फी, फालूदा, बर्फी, लड्डू, पेड़ा सब उड़ाया करते थे, इसलिए तो ये बॉडी बनी हम दोनों की। बता नहीं तुम? By the way, I'm Sam. Nice to meet you. मैं एक्चुअली ना जसमीत मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह देती। तो ना जसमीत? ये परम सिंह है, मेरे पब मेरे पड़ोसी। पड़ोसी बोलने में इतना टाइम लगा दिया तुमने, तुम्हारी हिंदी खराब हो गई यहाँ के लंदन में, पर हम तुम्हारा हिंदी ठीक करेंगे, डोंट वरी। वे नेबर्स या सैम। ओके। Hey, gorgeous, lovely people, Sonia and Sajjano. We know that you all like to do a bit of Bhangra. So, girls and boys, get ready. Let's get some dancing. All right, I'm gonna get him. Watch me. Bare bazaar baby, bare bazaar baby, kalle na jana nahi the shor mach jayega, bare bazaar baby, kalle na jana nahi the shor mach jayega, har koi aashiq, har koi aashiq, tujhe tere ghar tak chhodne aayega. झगड़ा करा देगी तू आशिकों के बीच में, फिर भी तू आएगी ना किसी की भी रीच में, झगड़ा करा देगी तू आशिकों
आंखों के बीच में फिर भी तू आएगी ना किसी की भी रीच में कहती दफा हो जा कहती दफा हो जा कहती दफा हो जा पर बेबी ऐसा कभी हो मुझको पता है तेरा मन है बड़ा तभी फ्लोर पे तेरी वेट में हूँ खड़ा ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला थोड़ा पैर उठा सानू नच के वखा ए अखियों से गोली मारती रहती दिलों को सूली टांगती रहती स्कूल वूल की टीचर है क्या जब देखो लेक्चर झाड़ती रहती तेरे लिए लिखा ये गाना साथ में मेरे गाएगी क्या घूर घूर क्यों देखे मैडम अरे खाएगी क्या अरे खाएगी क्या जसमीत यू वर अमेजिंग तुमने काफी कुछ छुपाया अपने बारे में अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है सैम मतलब सरप्राइजेस का भंडार है किलो किलो भर के सरप्राइजेस हैं इनके पास जैसे कि ये गुस्सा नहीं होती पर जब आंखें ऐसे कर ली मतलब चुप होने का टाइम आ गया है परम कहीं छोड़ दूं मुझे तो लड़की अक्सर छोड़ देती है आप भी छोड़ दीजिए चलो माय कार इज राइट देयर आई विल सी यू गाइस बाय सी या बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके सैम यू टू परम आई विल सी यू सून जी बिल्कुल जसमीत आई विल बी देयर वेटिंग फॉर यू तुमसे भी फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा जसमीत फिर नाचेंगे फिर मिलेंगे हाँ मिलना तो हमें है ही उस अलीशा को ज्यादा परेशान मत करना और उसे भी तुम्हें परेशान करने मत देना अपनी गारंटी मैं ले सकता हूँ उसकी नहीं अलीशा जी ये कहाँ ले आए आप ऐसा लग रहा है हिल स्टेशन आ गए लंदन में क्या फर्क पड़ता है नहीं वो मत काटिया का वो बुढ़ापे में चश्मे ढंगने में काम आएंगे ना क्या हुआ परम यू डोंट फाइंड मी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव अरे आप जैसे कुड़ी पंजाब में मिल जाए ना तो उसे दिवाली बम्पर लगना कहते हैं तो इतना फनी क्यों एक्ट कर रहे हो आई होप तुम्हारे पास कोई रीजन है ऐसे एक्ट करने के लिए शादी आई एम मैरिड परम मुझे एक्सपीरियंस पसंद है मेरी शादी जसमीत से हुई और उसी के लिए मैं लंदन आया हम दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया था मैं यहाँ पे अपना वादा निभा रही हूँ तुम भी निभाओ मैं वादा तोड़ दूं तो डिवोर्स नहीं तो तुम पता है मैं आज भी अगर जसमीत से कहूं तो लंदन मेरे बगैर रह ले या हिंदुस्तान मेरे साथ वापस चल ले चुपचाप आ जाएगी मेरे साथ वापस इतना प्यार करती है मुझसे वो पागल लेकिन मैं नहीं चाहता वो प्यार क्या तो मजबूर होके ये फैसला ले मैं चाहता हूँ वो दिल से ये फैसला ले तुम्हारे जैसे और लड़के होते ना तो शायद मैंने भी शादी कर ली होती सो आई विल हेल्प यू स्टे थैंक यू बट खाली रुकने से क्या होगा मुझे नहीं लगता जसमीत वापस इंडिया जाएगी यू नो आज के जमाने में शादी प्यार की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है कोई वैल्यू ही नहीं है
दुनिया में आज भी एक ही चीज कायम है जिस पे दुनिया कायम है, प्यार। मेरी जस्मीत जरूर वापस आएगी और मुझे पता है कैसे। आप मुझसे शादी कर लीजिए। नकली फेक। मुझे गलती करते देख शायद जसमीत को अपनी खुद की गलती का एहसास हो जाएगा। वो पागल ये तो समझ जाएगी कि पहले एक दूसरे को तकलीफ दे के बाद में खुशी ढूंढना बेवकूफी है। इट्स स्टूपिड। इट्स वेरी प्रोफाउंड एंड इट साउंड्स लाइक फन आई मस्ट से। तो मैं रेडी हूं बट हियर इज द डील। शादी के एग्जैक्ट टाइम तक अगर जसमीत अपनी गलती का एहसास कर लेती है एंड शी इज रेडी टू गो टू इंडिया विद यू तो ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी तो होगी ही। ड्रामा नहीं सचमुच के। मतलब तुम वैसे तो मुझसे शादी करोगे नहीं। तुमसे शादी करने का ही मेरा सिंगल चांस है। सो आर यू रेडी फॉर दिस बेट? I'm serious, Param. मुझे पता है यार सीरियस। डन। मुझे मेरी जसमीत पे पूरा भरोसा है। और मुझे इस दुनिया पे। Let's see who wins. The game starts tomorrow. सोए नहीं? इसकी बेटी बीमार है। वर्मा जी क्या हुआ? अस्पताल से फोन आया था। एडमिट किया। रब पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाना है। होता ही भरोसा है पर ना मैं तो अपने मन की कर चुका। Hey. You look lovely. Oh, thank you. How are you? Very well. Hi, Jasmine. Hi. Sundar lag rahe ho. Thank you. So, kal raat ko dance, aaj a surprise party. Sachmuch koi surprise hai ya? Bata diya. To phir surprise kaisa? Maine kaha tha na, hum phir milenge. Maine kaha tha na, humme milna tha hi. Haan, lekin is tarah aur yaar, ye nahi socha. अरे भाई साहब भी है, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज कैसा? जसमीत का हस्बैंड जसमीत के साथ ही होगा ना? नहीं जरूरी नहीं है, आजकल बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी बीवियों के साथ नहीं है ना जसमीत? एनीवेज यू गाइस कैरी ऑन आंसर योर यू गाइस डिस्कस योर स्टोरीज मैं भी आती हूं। परम अपनी फ्रेंड का ख्याल रखोगे? रखने देंगी तो जरूर रखेंगे। ये यहाँ क्यों आया है? मुझे पसंद है। Yuck, Alisha. Chill out, enjoy your party. Hi, guys. See you. ये सब क्या हो रहा है? कल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सो रहा था। कहाँ? क्या फर्क पड़ता है? तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो जसमीत? Bye. उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने आज तक सैम पे शक नहीं किया। तुम बेचारी अलीशा पे क्यों शक करी हो? Very bad. टालो मत, जवाब दो। तुम सवाल तो ऐसे पूछ रही हो जैसे बीवियां पूछती। तो बीवी तो हूँ तुम्हारी। तुम्हें याद है? Congratulations. मुझे तो लगा तुम भूल गई होगी। तुम्हें और कोई नहीं मिली दोस्ती करने के लिए? उस टाइप की लड़की है। क्या बात कर रही हो? बहुत अच्छी लड़की है। प्रिंट में भी ऐसी लड़की ना मिली। पता है लंदन में रहते हुए भी वेजिटेरियन है। तो कुकर नहीं फाड़ती तो उससे क्या होता है? मर्द तो खा जाती है ना। इस पार्टी के आधे लोगों के साथ सब कुछ कर चुकी है। देवी हाई स्कूल की बबली याद है? वैसी लड़की है। कोई बैठने को कहता है लेट जाती है। तो
फिर ये जानते हुए भी वो बदमाश लड़के से बैठने को क्यों कहते हैं? अभी आएगी ना अलीशा, मैं उसे कहूंगा तो अलीशा तू बैठना मत, बिल्कुल मत बैठना, कोई कुछ भी कहे बैठना मत। परम, मुझे तुम्हारा उसके साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे तुम कुछ करो या ना करो। और यही बात मैं कहूँ तो कोई जवाब नहीं। तो जसवीत तुम पार्टी एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। ओ ये बार कितने ओए? और बागरा मैन एंजॉय कर रहे हो? जी करने ही जा रहा था, आपने टोक दिया। करो करो, लंदन की हाई सोसाइटी के साथ पार्टी कोई भी एंजॉय करेगा, स्पेशली अगर वो किसी ऐसी जगह से आता हो जहाँ धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं। शक्ल से तो आप उसी मिट्टी के लग रहे हो। No, I'm British. यही पैदा हूँ। कभी इंडिया गए नहीं और मुझे अपने आप को इंडियन कहलाना भी पसंद नहीं। त्रिशंकु भाई साहब, आपको इंडियन कहलाना पसंद नहीं, आप ब्रिटिशर कहलाने के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन एक किलोमीटर दूर भी अगर कोई ब्रिटिशर आपको देख लेना तो कहेगा वो देखो इंडियन आ रहा है। Excuse me, Dulmitty. What did you say? तुम्हें हिंदुस्तानी कहलाने से सख्त नफरत है, क्योंकि हम जगह जगह कचरा फेंकते हैं, पान थूकते हैं, रेड लाइट तोड़ देते हैं। हमें लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं, घूस लेते हैं और घूस देते भी हैं। रोड से ज्यादा तो खड्डे हैं हमारे यहाँ पे, मंत्रियों से ज्यादा स्कैम। लेकिन हम ऐसे हैं, हम वैसे भी तो हैं। सिर्फ 70 साल हुए हमारी आजादी को, हमारे आसपास के किसी भी नौजवान देश को देख लो, अभी भी उनके वजूद पे सवाल बना हुआ है। लेकिन हम सुई से लेकर रॉकेट सब खुद बनाते हैं। 20-20 बार कोशिश करके बड़े बड़े देशों ने मंगल पे मंगलयान पहुंचाया, लेकिन हमने पहली बार में ही रिक्शा भाड़े की रेट पे मंगल पे मंगलयान पहुंचा दिया, क्योंकि हम है बहुत पहुंची हुई चीज। और हाँ, हमेशा से हमारा ऐसा हाल नहीं था, सोने की चिड़िया थे हम। टावर ऑफ लंदन में तुम्हारे रानी के ताज पे जो कोहिनूर का हीरा है ना, वो तुम्हारी तरह मेड इन बर्तानिया नहीं, मेड इन इंडिया है। लेकिन पुरानी बातों पे नाश करके हम रुके नहीं हुए, हम आगे बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं। हमारी तरक्की की यही रफ्तार रही और घूसखोरी से हमारी जंग जारी रही तो अगले 50 साल में हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर जाएगा कि अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स कहने लगेंगे हम भी इंडियन कहलाना चाहते हैं। तब पार्टी मत बदल लेना त्रिशंकु भाई साहब, जो हो उस पे खुश रहो, देश की गलतियां मिटाओ, अपनी पहचान नहीं। Param Singh, will you marry me? What? 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 मुझसे शादी करोगे? I know मेरे मुंह से शादी थोड़ा odd लगता है, पर थोड़ा नहीं बहुत odd लगता है। मतलब अलीशा, तुम परम को जानती भी नहीं हो। I don't care. मैं बस इतना जानती हूँ कि परम से शादी करने वाली लड़की इस दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी। अलीशा, तुम उठ जाओ, तुम्हारे घुटने दर्द हो रहे होंगे ना, ये वैसे भी मना करने वाला है। हाँ, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। चलेगा, मैं तुम्हारे साथ इंडिया वापस जाऊंगी। नहीं, पर तुम वहाँ पे सेटल नहीं हो पाओगी, तुम्हें वहाँ घुटन महसूस होगी, चकने बेलन के अंदर सिमट के रह जाओगी, तुम शॉपिंग करने जाना चाहोगी और तुम्हें भैंस को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और काम तो तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगी। परम सिंह, तुम्हारे लिए ना मैं भैंस बैल जो भी होगा सबको इंजेक्शन लगानी चली जाऊंगी। अलीशा, तुम उठो, ये तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि क्योंकि ये शादीशुदा है। तुम शादीशुदा भी हो? हाँ, एक टाइम पे हुआ करता था, पर जैसे मैं कह रहा था तुमको, हस्बैंड अपनी बीवियों के साथ आजकल नहीं रहते, तो आजकल मैं सिंगल हूँ एंड आई एक्सेप्ट। ऊपर आधा घुटने चल जाएंगे। आई डू
पीछे घूमने वाले थे ना, ये किस गली निकल गए? मैं एयरपोर्ट पे गुस्सा हुआ था। तो क्यों हो रही है? मैंने उससे सच में शादी नहीं की है। सैम घुटनों में बैठकर भीख नहीं मांग रहा था, सैम ड्रामा कर रहा था। तो ड्रामा खत्म हो गया ना, क्यों नहीं दे रहा तुझे डिवोर्स? लंबे बाल वाले को ना उसका रोल पसंद आने लग गया है। नहीं देने वाला तुझे डिवोर्स, उसकी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि उसे तुझसे प्यार हो गया है। या फिर तुझे पता है कि उसको तुझसे प्यार हो गया है पर तू मुझसे छुपा रही है। मैं तो नहीं करती ना उसे प्यार। अच्छा, मतलब वो तो करता है। वो करे या ना करे, मैं तो नहीं करती ना परम। तो मैं कौन सा अलीशा से प्यार करता हूँ जसमीत? तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? जिस वजह से तूने की। हमें पता है सैम तो तुझे डिवोर्स देने नहीं वाला। मैं अलीशा से शादी कर लूंगा, यहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाएगी, कुछ दिन बाद उसको डिवोर्स दे देना है, तेरी मेरी शादी फिर से रजिस्टर करवाएंगे, तुझे यहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाएगी ना। हाँ, अब उस सब के बीच में शायद अलीशा को मुझसे प्यार हो जाए, वो इमोशनल हो जाए, उसका दिल टूट जाए, बर्बाद हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? सही गलत डज नॉट मैटर, हमें तो बस लंदन में सेटल होना है ना। आइसक्रीम एंजॉय करो। कहाँ जा रहे हो? 4 दिन बाद 14 तारीख को मेरी शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। ओके बाय। परम, परम छोड़ यार। परम जी? नहीं, मतलब सब जल्दी में हुआ। और तुम लोगों में से पंजाब की खुशबू आ रही है यार। अभी मैं तो यहाँ पे आके एक बार नहाया भी हूँ। Okay, I really want to chat lots, but मुझे इसको काम पे छोड़ना है, so give me a number. Oh, very good. हम भी साथ चलते हैं। हाँ, बातें शातें करेंगे, gossip वॉसिप। चलो चलो, let's see, let's go, Heathrow. माना तो एक बात कहूं, मैं मानता हूं कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, पर आपके पास तो गांव में जमीन है, फिर भी आप ये काम। यार अब अनपढ़ आदमी को यहां पे आएगा तो ये लोग सीधा उसे प्रेसिडेंट तो बना नहीं देंगे, इसीलिए जो काम मिलता है करना ही पड़ता है। मतलब लंदन आने वाले हर आदमी की कहानी ऐसी नहीं होती। हाँ, इससे अच्छी भी होती होंगी या फिर इससे बुरी भी होती होंगी, लेकिन वो बुरी कहानी हमारे देश नहीं पहुंचती या फिर गुरनाम जैसे लोगों से पहुंचने नहीं देते। हाँ हेलो, इसमें चलो। मेरी बेटी मर गई है ना, मेरी बेटी। उनकी वेखन जावा मैं, उन्हों मरा हुआ वेखन जावा जिसको कभी मैंने जिंदा देखा ही नहीं। अपने बारे में ही सोच रहे हो आप? या फिर घर से एक और बुरी खबर आने का इंतजार कर रहे हो? नहीं यार, इकबाल पाजी, या लंदन आना, मेहनत करना, पैसे कमाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह शहर तो मेहनत करने वालों की कदर करता है, लेकिन गलत तरीके से आए हुए इंसान की
कहीं कदर नहीं होती, कहीं नहीं। पीछे मुड़ के मत देखो इकबाल पाजी, बंदा वही होता है जो सब कुछ हो जाने के बाद भी आगे जाने की हिम्मत रखता है। वो एक कार वापसी है, विदाई नहीं है, फिर आंसुओं की लोड़ है। मुझे लगा तुम अपनी शादी की तैयारी में बिजी हो गए। शादी के लिए तो तुम्हारे पास आना पड़ेगा ना। जैसे लंदन में तुम्हारे गांव के नंबर वन वेडिंग प्लानर भी है। नहीं, 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 नहीं। पर मेरी पहली शादी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो दूसरी शादी में भी होना चाहिए। क्या है ना साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी शादी मेरी पहले शादी की टक्कर की। क्या? बैठ जाओ। अरे आप भी बैठिए, आप ही का घर है, भूल गए? जसमीत। हाँ जसमीत, बैठो बैठो। मेरी शादी तो याद है ना जसमीत? मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। जिस लड़की से 100% इश्क करता था उसी से शादी करने जा रहा था। याद है वो कितनी खूबसूरत लग रही थी? Hold on, let me get this right. तुम चाहते हो कि तुम्हारी दूसरी शादी तुम्हें अपनी पहली शादी की याद दिलाए? मेरा कल भी तो मेरा ही हिस्सा है ना सर। मैं आज जा हूं उस कल की वजह से तो, और ये मैं कभी भूलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं अलीशा बिल्कुल मेरी पहली दुल्हन जैसी दिखे, उसे बिल्कुल सेम कपड़े पहना, वही एम्बियंस, वही माहौल, वही इन्विटेशन कार्ड, बिल्कुल सेम खाना पीना, सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए। तुझे तो सब कुछ याद ही होगा ना? सैम, भरम को ड्रिंक नहीं पूछोगे? या ऑफ कोर्स, व्हाट वुड यू लाइक? कुछ भी ले आ यार, यू हैव गुड टेस्ट। नाटक है तो ये सब इंतजाम क्यों? नाटक है तो इंतजाम करने में इतनी तकलीफ क्यों? Here you go. Cheers. Cheers to a happy married life. Ah. And this one being your last. चलो यार मैं निकलता हूँ। जसमीत, I'll see you tomorrow. Done? Take care. Take care, see you, man. मतलब अलीशा, मैंने अपनी पहली शादी में सूट नहीं पहना था। रब ने वो तमन्ना भी पूरी कर दी। जसमीत, सूट अब ब्लैक में लेते हैं। ब्लैक सूट में इसको देख लेगी तो 7 जन्मों तक डिवोर्स नहीं देगी। सिल्वर, सिल्वर में लेते हैं। दूल्हा लग रहा है मुझे, पॉम्फ्रेट मछली नहीं। मेरी पसंद नहीं चाहिए तो मुझे साथ में क्यों लाए हो फिर? पर मुझे मेरा दूल्हा ना ब्लैक में चाहिए। तुम्हें तुम्हारा दूल्हा ब्लैक में तो मिला है, हमारे यहाँ ऐसे कनेक्शन को ब्लैक ही तो कहते हैं ना जसमीत। तुम्हारी शादी है, तुम्हें पता होगा, तुम्हें एक्सपीरियंस तो होगा। मैं सिल्वर सूट खरीद रही हूँ, बात में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। जूते काले लूं या गोल्डन लेके जलपरी बन जाऊं? जलपरी? मरमेड बेबी। वो तो मैं हूँ। Have to give me a discount, please. मैं भी बहुत ही ध्यान आते हैं। अपने पति के दूसरे शादी के सूट पे डिस्काउंट मांग रही है। लग तो अच्छी रही, पर तेरी वाली बात नहीं इसमें। नहीं, इसमें से 8 लग रही है। तो सहेली है मेरी, मुझे नंबर दे रही है, 10 में से 8 लग रही है, 17 है तेरी।
है ही क्या, असली पंजाबन होते ना तू, कभी तो कूद गई होती उस पे, उसकी लड़की होती उसके साथ बाल नोट नहीं होते, कपड़े फाड़ दिए होते, क्या 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 करके हंसी है कि मैं स्टूपिड दिख रही हूं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमेशा मुझे ना हंसाते रहते। फ्लैशबैक में चले गई अपनी। अलीशा तुम बहुत खूबसूरत लगी, मेरी पहली बीवी यहाँ होती ना तो तुम्हें 10 में से 8 पार्ट देती। लेकिन कुश्ती भी तो नहीं लड़ रही। ये वाला सही है, दूसरी शादी में कार्ड सिंपल होना चाहिए। अरे जसमीत मेरी तो पहली है ना। हाँ, और कार्ड बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे हमारी पहली शादी में था। मेरा मतलब है मेरी पहली शादी में था। उस कार्ड के ऊपर तुमने एक शब्द लिखवाया था ना जसमीत, वो शब्द याद है? अकाल मूरत वर पाइए, अधिनासी न खते जाइए न मरिए। ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या है जसमीत? इसे सिर्फ शब्द याद, मतलब ये कब का भूल चुकी है। मेरा वर, मेरा दूल्हा अमर, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना मुरझाने वाला, कभी ना छोड़ के जाने वाला। जसमीत, सैम, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी गांव की सीधी साधी लड़की हूँ जिसे तुम रेजिडेंसी नहीं दिलवाओगे और तब भी मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहूंगी और फिर आखिर में मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी? कल तुम्हें रेजिडेंसी मिल जाएगी। होम डिपार्टमेंट में एक इंटरव्यू है, उसके बाद तुम जितने दिन चाहे यहां रह सकती हो अकेले भी। अब तुम ये फ्लास देख के मैं शैंपेन खोल सकता हूँ या तुम्हें और गुस्सा करना है? नहीं, मुझे कॉल करनी है। ओह, वेस्ट मिनिस्टर अभी। यार एक बात कहूँ, जब भी ये जगह देखता हूँ तेरे साथ लंदन जाके ये जगह देखने का मन करता है साथ में। ये ऐसी जगह पे दो सच्चे आशिकों का हाथ में हाथ डाल के चलना बनता है। ये शादी रोक लो परम, मुझे कल रेजिडेंसी मिलने वाली है, अब इस ड्रामा की कोई जरूरत नहीं है। कोई और समझे या ना समझे, मैं सोचता था तुम जरूर समझोगी कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ। जसमीत, मंजिल बहुत करीब है परम, कल तक रुक जाओ। आज एक दूसरे के साथ बुरा करना ये सोच के कि इससे हमारा कल अच्छा होगा, इससे बड़ी बेवकूफी इस दुनिया में नहीं हो सकती। जसमीत, नहीं हो सकती। दिल सुनता नहीं के मुश्किल है क्या, जिद्दी है दिल सुनता नहीं के मुश्किल है क्या, बहराऊं मैं लाख समझाऊं मैं मगर दिल
हटी लाख Jasmine, please come in. मैं शादीशुदा हूँ. And you. Because if you weren't married, मेरा charm कभी resist नहीं कर पाती तुम. Now go, go to him. Excuse me, where's the wedding? My wedding? तुम्हें क्या सच में लगता था परम कुछ ऐसा करेगा? जानती हूँ तुम्हारा हस्बैंड है. जिस दिन मिली थी ना, उसने उसी दिन बता दिया था मुझे. परम धोखा खा सकता है, दे नहीं सकता. मैं अपना वादा निभाऊंगा अलीशा, लेकिन सिर्फ फेरे लूंगा, वचन नहीं निभा पाऊंगा. क्योंकि मेरा दिल और जान कहीं और. ऐसे प्यार करने वाले से सेकंड हैंड प्यार कौन लेगा? जाओ, 7 जन्म तक तुम उसके, उसके बाद मेरी चांस. हाँ, प्रॉमिस, मैं इस बार तोड़ने नहीं दूंगी.
कभी सोचा नहीं था ये शहर जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। एक और गलती की थी यहां इलीगली आने की, उसे भी सुधारने जा रहा हूं जसमीत। इंडियन एम्बेसी जाके अपने आप को रिपोर्ट करवाना। परम, परम तुम नहीं हारे, तुम कभी नहीं हारे। मैंने तुम्हें जैसे ही देखा मैं समझ गई थी कि मैंने ऐसे लंदन आके कितनी बड़ी गलती की है, पर उस एक गलती को छुपाने के लिए मैं और गलतियां करती रही, क्योंकि मुझे लगा कि जब सब ठीक हो जाएगा हम ये सब भूल जाएंगे। पर मैं अंदर से टूट रही थी, मैं भूल नहीं सकी कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही हूँ, सैम और अलीशा के साथ कितना गलत कर रही हूँ। जिस देश की तारीफ सुनकर मैं पार्टी में इतना खुश हो रही थी, उसके साथ कितना गलत कर रही हूँ। पर अब मैं समझ गई हूँ, लंदन बहुत अच्छा है, पर अब लंदन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे मेरा परम चाहिए। मैं समझ गई हूँ कि हम किस शहर में रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसके साथ रहते हैं और वो हमें कितना प्यार करता है, फर्क सिर्फ उससे पड़ता है। लंबा जाने की क्या जरूरत है, सॉरी बोल के गले मिल लेती। तुझे तो पता है जब तुम मुझसे गले मिलती तो मेरे दिल में कैसे गंदे 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 ख्याल आते हैं। कुड़िए राजा जप्पू पास कुड़िए तैयार हो जा, पंजाब जाके और भी बड़ी लड़ाई करनी है, तेरा पहला सपना पूरा करके रहेंगे। इस बार दादाजी को मना के रहूंगा, वादा है इस जट का। इतना ना सोच, हाथ मेरा थाम, तुझे याद रहेगी जिंदगी भर ये शाम।